डियर पेरेंट्स, क्या आप भी बिलीव करते हैं कि बच्चों की नाक अगर चौड़ी है या फैली हुई है या शेप में नहीं है तो आप उसको प्रेस करोगे या दबाओगे तो वो शेप में आ जाएगी? आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है। आपको अपने बच्चे के साथ किसी के कहने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको आपके सराउंडिंग में ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये गाइड करेंगे कि बच्चे की नाक थोड़ी फैली हुई है तो आप इसको दबाया करो या इसे प्रेस करो या फिर इसको आप अच्छे से मसाज करो तो ये शेप में आ जाएगी। देखिए, बच्चे को जो नेचुरल लुक्स मिले हैं वो पेरेंट्स से मिले हैं और जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है वो सारी चीज़ें अपने आप शेप अप हो जाती हैं। छोटे से ही एज में यदि आप बच्चे की नाक को प्रेस करोगे या दबाओगे तो हो सकता है यहाँ पर उसको जो नॉस्ट्रल्स में प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पर जो उसकी हड्डी है वो दब जाए, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो, आप उसके बारे में जानते नहीं हो। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ किसी के कहने पर ना करें, ये कम्प्लीटली अनसेफ होता है हमारे बच्चे के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपने बच्चे की नोज़ को रेगुलर दबाओगे या प्रेस करोगे या मसाज करोगे तो उससे आपके बच्चे की जो नोज़ है वो शेप में आ जाएगी। तो इसलिए भूल कर भी किसी के कहने पर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा ना करें।